पाकिस्तान लगातार कंगाली की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब गिरते गिरते पाताल तक पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP ने घोषणा की है कि आर्थिक संकट के कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.7 अरब डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये फरवरी 2014 के बाद से सबसे कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेलआउट पैकेज मिलने की उम्मीद कर रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये अपने कर्जे भी पूरे नहीं कर सकेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार ऋण चुकाने के कारण गिरता जा रहा है। पाकिस्तान के मित्र राष्ट्रों ने आश्वासन देने के बावजूद फंड जारी नहीं किया है। वह देख रहे हैं कि क्या IMF बेलआउट पैकेज देगा या नहीं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने IMF से आग्रह किया है कि वह अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजें, जिसके बाद IMF के रेजिडेंट प्रतिनिधि ने कहा है कि IMF का मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच इस्लामाबाद का दौरा करेगा। ये मिशन घरेलू और बाहरी स्थिरता को बहाल करने की नीतियों पर फोकस रखेगा। इसमें राजकोष को मजबूत करना, बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद, बिजली की बहाली और फॉरेक्स मार्केट के कामकाज को फिर से स्थापित करना होगा। इस बीच पाकिस्तान के लिए डराने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की सरकार और IMF के बीच सहमति नहीं बनी तो देश की अर्थव्यवस्था का पतन हो सकता है। स्थिति पाकिस्तान के दिवालिया होने तक आ सकती है। यह भी संभव है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने विश्लेषकों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अस्थिर होती जा रही है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो शायद यह इस्लामिक देश श्रीलंका जैसी स्थिति में भी पहुंच जाए। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मई में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है।